आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। पंद्रह दिन पहले सरसों तेल के भाव में नरमी के कारण लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। यही नहीं, सोयाबीन तेल के भाव भी बढ़ने लगे हैं। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सरसों की नई फसल आने तक कीमत में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, जबकि सोयाबीन तेल के भाव में तेजी आने का कारण मांग अधिक होने व बाहर से आने वाले कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होना बताया जा रहा है। बीते 15 दिन के अंदर यदि तेल की कीमत पर नज़र डालें तो 20 जनवरी के पूर्व जो बेलकोलू ब्रांड सरसों तेल 163 रुपए प्रति लीटर के भाव बिक रहा था, वह अब बढ़कर 168 रुपए पहुंच गया है। इसी तरह फॉर्च्यून सरसों तेल 165 से बढ़कर 170 रुपए प्रति लीटर हो गया है। सोयाबीन तेल भी 134 से बढ़कर 140 रुपए प्रति लीटर पहुंचा है। बाजार के जानकारों का कहना है कि 15 जनवरी से तेल के भाव में तेजी आना शुरू हो जाएगी। इस बीच तेल के मूल्य में लगातार उतार चढ़ाव रहा। अक्टूबर नवंबर में सरसों व सोयाबीन तेल के भाव में अधिक तेजी थी। जनवरी आते आते सरकार द्वारा आयातित खाद्य तेलों के कर शून्य किए जाने व वायदा कारोबार पर रोक लगाने के आदेश के साथ ही मूल्य में 17 से 22 रुपए प्रति लीटर की गिरावट आई है। कंपनियों को सरसों की उपलब्धता कम होने की वजह से भी सरसों तेल के भाव में तेजी आई है। इसके अलावा शादी विवाह की वजह से आपूर्ति के सापेक्ष मांग अधिक होना भी मूल्य वृद्धि का कारण है। इस बार सरसों की पैदावार अच्छी हुई है, ऐसे में महाभीतर भाव में गिरावट की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल सरसों तेल के भाव में जहां थोड़ा बहुत उतार जारी रहेगा, वहीं सोयाबीन तेल में तेजी बरकरार रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।